नमस्कार, स्वागत है आपके, मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बहादुरगढ़ के आसुदा गांव में युवक की हत्या कर दी गई, चाकू से कोत कर दीपक की हत्या की गई। सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा था दीपक, आसुदा जाखुदा रास्ते पर दौड़ लगाने गया था और गांव के 3 लोगों पर हत्या करने का आरोप लगा है, तो पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। मृतक दीपक के शव को आज पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगा है और परिवारजनों के शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की छानबीन कर रही है। बहादुरगढ़ के आसोदा गांव में युवक की हत्या चाकू से गोद कर की गई दीपक की हत्या। बताते सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहा था दीपक और 3 लोगों पर फिलहाल हत्या का आरोप है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यहाँ पर जाखुदा रास्ते पर दौड़ लगाने गया था और इस दौरान उसकी हत्या कर दी गई। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। बहादुरगढ़ के आसोदा गांव में युवक की हत्या कर दी गई और चाकू से कोत कर दीपक की हत्या की गई। सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा था दीपक। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। आसोदा जाखुदा रास्ते पर दौड़ लगाने गया था और इस दौरान दीपक की हत्या कर दी गई। तो बहादुरगढ़ के आसोदा गांव में युवक की हत्या, बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते, चाकू से कोत कर दीपक की हत्या की गई। 3 आरोपियों पर हत्या का आरोप है और परिजनों से बात करने पर परिजनों ने शिकायत दर्ज कराया और पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है। तो गांव के 3 लोगों पर हत्या करने का आरोप लगा है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते, जहां पर बहादुरगढ़ के आसोदा गांव में युवक की हत्या।